सो गाइस आज हम लोग का 15 तारीख को एडवांस सर्वर हम लोग का डाउनलोड होने वाला था, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो एडवांस सर्वर हम लोग का डाउनलोड नहीं हो रहा। कोई भी गाइस आप लोग यहाँ पे रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग अपने फोन के अंदर एडवांस सर्वर को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस सर्वर को किस टाइप से डाउनलोड करना है, किस टाइप से इंस्टॉल करना है, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो कहीं से स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देख लेना। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं हो, पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा करके ऑल प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस करना कुछ नहीं है, जो स्टेप बताऊंगा उसको ध्यान से देख के ध्यान से फॉलो करना है। अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड करोगे तो 15 तारीख यानी कि आज के दिन 1 से 2 बजे के आसपास यहाँ पर डाउनलोड आप लोग कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोग मेरा फोन के अंदर देखो, यहाँ पे लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, मेरे फोन के अंदर आप लोग देखो तो यहाँ पे मैंने एडवांस सर्वर को डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल भी करके यहाँ पे गाइस मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो ये ओपन भी हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपने फोन के अंदर यहाँ पे एडवांस सर्वर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, आपको करना चाहो तो किस टाइप से करना है मैं आप लोग को बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप देख के आप लोग फॉलो करो। सबसे पहले आप लोग क्या करना, अपने फोन के अंदर कोई सा भी एक ब्राउजर को ओपन करना। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है गेम कंसोल, ठीक है। यहाँ पे देखो जिस टाइप से मैं लिख के सर्च कर रहा हूँ, सेम आपको इसी टाइप से गेम कंसोल लिखना है। फर्स्ट में वेबसाइट मिलेगा, इस वेबसाइट को ओपन करना, ठीक है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप लोग के सामने देखो कुछ इस टाइप से गेम कंसोल का वेबसाइट ओपन होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में देखो सर्च का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे कोने में सर्च का एक ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना सर्च का एक ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है OB47, ठीक है, इस टाइप से लिख के सर्च करना। सर्च करने के बाद कहीं आप लोग के सामने देखो यहाँ पे काफ़ी सब पोस्ट मिल जाएगा, आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, और यहाँ पे क्या करना है, ये वाला पोस्ट मिला है OB46 का, ये वाला पोस्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पोस्ट ओपन होगा, ऐड वगैरह चलेगा, थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आगे साइड आ जाना। और नीचे का साइड आने के बाद यहाँ पे देखो आपको OB40 का जो एडवांस है वो देखो मिल जाएगा, नीचे क्लिक करके बड़ा मिलेगा, इस पर क्लिक करना, ऐड चलेगा, बैक आना, फिर यहाँ पे देखो टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को डाउनलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, फिर इस पर क्लिक करना, और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने देखो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, डाउनलोड अगेन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करते ही आपके फोन के अंदर जो फ्री फायर एडवांस सर्वर है डाउनलोड लेना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस टाइप से यहाँ पे डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस टाइप से आएगा, सिंपल से इस पर क्लिक करना। क्लिक करते हैं आपके फोन के अंदर जो एडवांस सर्वर होगा इंस्टॉलिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टॉल वगैरह कर लेना, ठीक है, इंस्टॉल या फिर अपडेट कर लेना। इंस्टॉल अपडेट करने के बाद जैसे आप लोग एडवांस सर्वर को ओपन करते हो, ठीक है, तो एडवांस सर्वर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम देखो मिल जाएगा, दिस रीजन इज नॉट ऑनलाइन ईस्ट कुछ करके, ठीक है। तो इसके इसको सॉल्व करने के लिए गाइस आप लोग करना क्या है, अपने फ़ोन के अंदर ना VPN लगाना। VPN लगाने के बाद ये जो प्रॉब्लम है आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी गाइस अगर कोई भी दिक्कत वगैरह होता है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगा। इसके साथ देखो अभी हम लोग का जो एडवांस सर्वर है हम लोग का इंडिया सर्वर के अंदर नहीं आता है, ठीक है, इसलिए हम लोग बाहर के सर्वर से जाके खेलते हैं। तो एडवांस सर्वर को डाउनलोड करने के लिए आपको VPN का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो आप लोग कर लेना, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत कमेंट करना, बाकी मिले के लिए वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं फ्री डायमंड ट्री के बारे में, जो कि है विंजो एप्लीकेशन के अंदर। आप में से काफी सारे लोगों ने विंजो एप्लीकेशन का नाम सुनते हैं वीडियो को स्किप कर दिया होगा, तो मैं आप लोग को बता दूं अभी चल रहा है विंजो एप्लीकेशन के अंदर एक धमाकेदार ऑफर, जहां पर आप लोग को फ्री फायर गेम के अंदर डायमंड ले सकते हो। और अगर आप लोग डायमंड नहीं लेना चाहते हो तो आप लोग को गूगल प्ले का रिडीम कोड मिल जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक पे क्लिक करके विंजो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करके इसको ओपन करना है। जिसे ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको लैंग्वेज का चूज करने का ऑप्शन आएगा। सिंपल से आप लोग को लैंग्वेज चूज करके मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पे लॉग इन कर लेना। यहाँ पे आप लोग जब लॉग इन करोगे तो आप लोग को न्यू नंबर से लॉग इन करना है, ताकि आप लोग को यहाँ पे ऑफर में आपको 550 रुपया मिल जाए। क्योंकि देखो ये जो ऑफर है न्यू नंबर पे काम कर रहा है, तो अगर आपके पास न्यू नंबर है तो न्यू नंबर से लॉग इन करना, तभी आपको 550 रुपया बोनस के तौर पर मिल जाएगा, जिसको आप लोग फ्री फायर गेम के अंदर या फिर गूगल पे का रिडीम कोड बना करके निकाल पाओगे। तो यहाँ पे मैंने न्यू नंबर डाल के फटाफट से लॉग इन कर लेता हूँ। और देखो लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको काफी सारे गेम मिलेगा, तो आप लोग कोई भी एक गेम खेलना, ताकि आपका अकाउंट यहाँ पे वेरिफिकेशन हो पाए। अगर आप लोग यहाँ पे कोई सा भी गेम नहीं खेलोगे तो आप लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगे, और आप लोगों को 550 रुपया नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को पहले यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कोई सा भी एक गेम खेल लेना है। गेम वगैरह खेलने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे बैक
करना है। बैक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे मिलेगा एक विंजो स्टोर देखने को, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आप लोग फ्री फायर मैच के अंदर डायमंड लेना चाहते हो तो फ्री फायर मैच में क्लिक करके जितना भी डायमंड लेना है ले सकते हो। बाकी आप लोग को अगर गूगल पे का रिंग कोड लेना होगा तो आप लोग सिंपल सेंस से बैक करना। बैक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे देखो मिल जाएगा गूगल प्ले का ऑप्शन, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आप लोग को 550 मिला है तो 500 पे क्लिक करना, बाय पे ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे बाय वाले ऑप्शन पे तो आपके पास जो 500 रुपया होगा आईडी में वो कट जाएगा और आप लोग को यहाँ पे 510 रुपया का जो ड्रीम कोड है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्टेप से आप लोग ड्रीम कोड ले पाओगे। बाकी आपको ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके बताना, और मिला कि नहीं मिला आप लोग ये भी बता देना।